तो साथियों, मैं हूं आपका वकई ब्लॉगर कपिल कनपुरिया, जा रहा हूं प्रयागराज। एक घंटा ट्रेन लेट है, सुबह का 4 बज रहा है, ठंडे पानी से नहाया हुआ हूं। बोरिया बस्तरा पैक है, कहीं भी लौट जाऊंगा जहां जगह मिलेगी। हो सकता है बनारस भी जाऊं। अगर कुछ ऊंच नीच होती है ब्लॉग में तो माफ करिएगा, पहला ब्लॉग है, आगे बहुत बेहतरीन मनोरंजन होने वाला है, जुड़े रहिए। मोहल्ले वालों जागते रहो। एक तो भैया भयंकर ठंड हो रही है, 3 घंटे ट्रेन लेट हो गई, ऊपर से 4 राइडें कैंसिल कर दी इन सालों ने ओला वाले कि ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेंगे। अब एक आ रहे हैं भाई साहब, देखो पहुंचते हैं कि नहीं। भैया तुम लोग बहुत हरामी यार, ऑनलाइन पेमेंट ही नहीं ले रहे हो, हमें जान पे लेते ही नहीं जाएंगे। ये आ गया भैया, कानपुर सेंट्रल पहुंच गए हैं, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है देखने में। ये देखो भैया 360 एंगल में कानपुर सेंट्रल। अब ठंड हो रही, हाड़ गप गप हुआ, और हम जो है किसी तरह पहुंचे ऑटो ऑटो में, स्टेशन पहुंच गए हैं। आगे का दृश्य भी आपको दिखाएंगे, बहुत ही मनोरंजक बिलाग होने वाला है भाई। ट्रेनवा दिखा दें क्या तुमको? तुम लोग भाई जी कानपुर फर्जी बदनाम करो, देखो कितनी सफाई, डस्टबिन वस्टबिन की व्यवस्था है, प्लेटफार्म देखो कितना क्लीन है। अपने ब्लॉक में कोई कॉपीराइट नहीं, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। भाई साहब ट्रेन हो गई 4 घंटा लेट, प्लान का पूरी धज्जियाँ उड़ चुकी हैं, और दिमाग का एकदम जोखड़ा अर्चर हो गया है। कोहरा के मारे हमें तो नहीं लग रहा ये आप आएगी, आज पहुँचे कि नहीं हमें तो यही लग रहा है। बनारस जाने का भी बिल्कुल, यार क्या बता भाई, बहुत दुख होता है भैया। आगे बताते हैं कई बजे आती है ट्रेन। यार भाई ट्रेन तो आ गई है, लेकिन सिस्टम सेट करना पड़ेगा, क्या कि टिकट नहीं ना भाई, 4 घंटा जर्नी कैसे होएगी। बढ़िया व्यवस्था हो गई, चौचक एकदम, चौकस जिसको कहते हैं, बढ़िया लोग मिल गए। ये जो है सीट है हमारी, देखिए यहाँ पे हमने अपना झोला बिस्तरा रखा हुआ है, और यहीं पे सोने की व्यवस्था है। जनरल डिब्बे में भी इतनी सफाई होती है भाई साहब, हल्के में ना लेना। ब्लॉग में मैं इतना हरा गया था कि मैं अपनी प्राकृतिक आपदा भूल गया, लुटिया लेके जा रहा हूँ सामने राहड़ के खेत में, एकदम हलूक हो जाऊंगा। तो साथियों 4 घंटे जो है, 4 नहीं 6 घंटे ट्रेन लेट है, और मैं पहुँच गया हूँ प्रयागराज जंक्शन। ये देखिए जर्नल डिब्बे में आया हूँ मैं, बौकाली से, बकैती से। देखो समूचे चल रहे हैं भाई, बिल्कुल कोरोना नहीं है भाई, बस यहाँ होमी ओमिक्रोन यहाँ मर जाता। ये देखो भैया जेब कतरों से सावधान भाई, यही आज का प्रावधान। मैं पहुंच चुका हूँ प्रयागराज जंक्शन। दोस्तों मैं आ गया हूँ प्रयागराज जंक्शन, उल्टा दिख रहा है यार इसमें। हमारे साथ अमित भाई जुड़े हुए हैं लाइव, और विसलवा भी आया हुआ हमको लेने, और ये हमारा मोका ट्रेन खड़ा हुआ है भाई, मोका ट्रेन खड़ा हुआ है। ठीक है भाई साहब, बहुत अच्छा लगा जर्नी आपको मैंने दिखाई, आगे भी इसी तरह से मैं बनाता रहूंगा, आपको मजा दिलाता रहूंगा, धन्यवाद। यही नहीं, आने वाले ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं कैसे हमने प्रयागराज से बनारस की जर्नी पूरी करी, कितनी कठिनाइयां आई रास्तों में। साथियों सर्दियों की धुंध फाड़ देगी आपकी, बाकी आप समझदार हैं, आपको खुद ही पता है। देखिए कैसे डिस्को लाइट की व्यवस्था करी गई थी हमारे लिए, ये पूरा रास्ता इसी तरह से चौंधियाने वाला था। तो आने वाले ब्लॉग में भी लंठाई जारी रहेगी, ये मात्र एक एक्सपेरिमेंट था जो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अब मैं आने वाले ब्लॉग की कुछ हरामी पने की क्लिप दिखाता हूँ जो आपको पसंद आएंगी और उत्सुकता को भी बढ़ाएंगी, धन्यवाद। क्यों देखिए कपल खड़े हुए हैं हमारे पीछे, जिन्होंने प्री वेडिंग शूट का चूतियापा चालू किया है, इनका भी चूतिया कटेगा समझे, क्या पता टूटा टूटी हो जाए अभी, जैसे मेरे क्या बोलते हैं, छोड़िए खैर ये बातें मैं विलाग में नहीं बता सकता आपको। ये देखिए सामने राजमहल बना हुआ है, इसी में दोनों तोता और मैना एक दूसरे के साथ छुपी छुपोल खेलेंगे अभी फोटो के माध्यम से, बहुत अच्छा लग रहा है, आनंदमय माहौल है, हम भी मौज लेने जा रहे हैं। चलो भी छत में बैठ के देखा जाए। हाँ